हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बारिश के मौसम में और अगर ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं, वो भी फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में पकौड़े, तो बहुत मज़ा आता है। तो पकौड़े तो आप हर वक्त बनाते हैं, लेकिन ऐसे मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में पकौड़े कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो बैटर बनाना और वेजिटेबल्स को कट करना, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू को इस तरीके से जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, उस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और जो प्याज है, अनियन है, इसको मैंने अच्छे से चॉप करके ले लिया है। तो अब चलिए बारी आती है बैटर बनाने की। तो बैटर हम कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल बेसन ले लिया है, आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बेसन। जैसे मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है, तो अब इसमें आप चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डालिए। दोनों ही बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट देता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं दोनों को मिक्स करके डालती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस और बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस, टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरीके से करिए। इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल लिया है, और साथ ही के साथ मैं इसमें 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चावल का आटा डाल लेती हूँ। तो ये तरीका मैं अपनाती हूँ, आप भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें हल्दी डाल लिया है, तीखापन के लिए थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल ली है, साथ ही के साथ इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल लूँगी। अब जैसे पकौड़ा या कुछ ऐसा हैवी चीज़ आप खाइए तो अजवाइन ज़रूर डाल लीजिए, टेस्ट भी और हेल्थ वाइज ये अच्छा होता है। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल लिया है यहाँ पर, और इसके बाद इसमें नमक डाल लिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। और इसको बैटर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए, और एक बैटर का फॉर्म इसको बना लेना है। अब बैटर की कंसिस्टेंसी इस वाले पकौड़े की कैसी रहेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। हर पकौड़े की बैटर की कंसिस्टेंसी से ही थोड़ा थोड़ा स्वाद में भी चेंज आता है। तो लगभग 1 गिलास के करीब इसमें पानी लग गया है, लेकिन आप मेज़रमेंट को ध्यान मत दीजिए, मैं कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर आप मेज़रमेंट जानना चाहते हैं तो जो एक बोल बेसन था, तो एक बोल से थोड़ा कम पानी इसमें यूज हुआ है, और चूंकि कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा भी है तो थोड़ा वो एक्स्ट्रा वो हो गया, ड्राई पाउडर जो है हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। नॉर्मल जो पकौड़े की कंसिस्टेंसी है उससे थोड़ा सा ये हमारा पतला रहेगा। और इसमें हमें जो है आलू और प्याज डाल करके मिक्स करके देखना है कि कितना आलू और प्याज इसमें आ जाता है बहुत ईजिली। तो मैंने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। जैसे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके ले लिया है, तो इतने के लिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अगर आप मिक्स करके देखते हैं तो जो बैटर है वो बहुत अच्छे से एक हल्की सी कोटिंग भी बन जाए, लेकिन बहुत मोटा लेयर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हल्का सा उसमें फ्रेंच फ्राइज वाला जो स्वाद है, जो टेस्ट है वो चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आपको करके रख लेना है। यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और उस जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, एक बार आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है। ऐसा नहीं है कि मीडियम पे ही आपको गर्म करना है, तो गर्म अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद मीडियम कर दीजिए, ताकि जब जैसे ही आप पकौड़ा रखेंगे वो क्रिस्प होना हल्का सा शुरू हो जाए। और साथ ही के साथ आपने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, मीडियम से थोड़ा कम करके रखिए, मीडियम टू लो के बीच में रखिए, तो ये पकौड़ा अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। तो अभी हमें मीडियम टू लो पर करके सारे पकौड़े ऐड कर लेने हैं। जब सारा पकौड़ा ऐड हो जाए, थोड़ी देर तक हमें गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रख देना है। जैसे ही पकौड़ा हमारा अंदर से हल्का सा पक जाए, मैं आपको दिखाऊंगी, तो जैसे ही पक जाता है फिर टेम्परेचर में चेंज लाना है। तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए पकौड़ा बनाते हैं तो कोई भी पकौड़ा हो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए, हल्का सा एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया, तो एक एक करके हम पकौड़े को यहाँ पे पलट देंगे। अब हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेना है। मीडियम टू लो था अभी तक, तो अंदर में जो पकौड़ा है हमारा वो अच्छे से पक चुका है, तो मीडियम कर लेंगे। और इस पकौड़े को अच्छे से पलटते हुए, एक साइड जैसे अभी मैं पलट रही हूँ, इस तरीके से पहले एक साइड आप पलट दीजिए, ठीक 1 से 2 मिनट में देखेंगे आप कि दूसरे साइड भी ये कलर चेंज करने लग गया। तो जैसे ही ये दूसरे साइड पे कलर चेंज करने लग जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे कि एक बार और इसको पलट देंगे, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा
हाई के आसपास ले जाएंगे। या तो आप इसको इसी पे निकाल लीजिए और डबल फ्राई कीजिए, या फिर थोड़ी देर के लिए गैस के फ्लेम को हाई पे कर देना है और उसके बाद कंटिन्यूस चलाते हुए जैसे ही इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए पकौड़ा, उसको निकाल लीजिए, क्योंकि ये उसके बाद ये क्रिस्पीनेस के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने पालक का पकौड़ा बनाया है, प्याज और पालक का, उसमें मैंने चावल के आटा के जगह चावल को भिगो करके पीस करके डाला है। आप चाहें उसकी रेसिपी तो आप कड़ी पकौड़ा वाले रेसिपी में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये जो आलू है वो बाहर बाहर थोड़ा निकल रहा है, वो अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। तो इस पकौड़े को ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए। बारिश के दिनों में बहुत मज़ा आता है, ऐसे पकौड़े हों और चाय हों तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फिर नई मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। बाय।